शामदीद नाजरीन, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए आज के इस प्रोग्राम में कन्नड़ मीडिया की क्या सुर्खियां हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। कृष्णा नदी में मजीद 4 लाख क्यूसेक पानी बहाया गया, 10 अफराद को FDA के तकरीरनामे सौंपे गए, कोविड के खिदमतगारों को नौकरी से हटाया गया। अब खबरें तफसील से। कृष्णा नदी में मजीद 4 लाख क्यूसेक पानी बहाया गया। अलमट्टी और नारायणपुर डैम की सतह आब में इजाफे के बायस कृष्णा नदी में मजीद 3,96,000 क्यूसेक पानी बहाया गया, जिसकी वजह से नदी में सैलाब की सूरत हाल नजर आ रही है। साहिल इलाकों में नदी का पानी दराया है। तुलखे के गुर्जापुर में वाक़ा ब्रिज पानी में डूब चुका है। सिलसिले में जिला इंतजामिया ने साहिली मौजूद की आवाम को मजीद होशियार रहने का इंतबाह दिया है। कृष्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से रेजूर तालुके के तकरीबन 10 मौजूद से रास्ते का रबता खत्म हो चुका है। गुज़िश्ता 5 दिनों में पहले ही शीलहली ब्रिज के डूबने से हंचीनाल, गुडमदोडी और यरगोडी से रबता टूट चुका था। दस अफराद को FDA के तकरीरनामे सौंपे गए। KPSC यानी कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से रायचूर जिले के महकमे मालगुजारी में तकरीबन 12 में से 10 FDA को आज जिला डिप्टी कमिश्नर ने तकरीरनामे सौंपे। महकमे मालगुजारी के लिए 12 FDA पोस्ट भर्ती किए गए थे। इनमें से आज 10 अफराद को जिला डिप्टी कमिश्नर सतीश ने तकरीरनामे सौंपते हुए मेहनत और ईमानदारी से काम करने की तलखीन की। इस मौके पर ADC दुर्गेश श्रेष्ठदार और दीगर भी मौजूद थे। कोविड के खिदमतगारों को नौकरी से हटाया गया। कोविड के दौरान कुत्ते की बुनियाद पर जिन अफराद को रिम्स और ओपेक अस्पताल में डी ग्रुप के अहदों पर भर्ती किया गया था, उनको अब मुलाजिमत से अलग कर दिया गया है। इस इकदाम की मुखालिफत करते हुए आज इन अफराद ने शदीद एहतजाज किया। जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के रूबरू एहतजाज करते हुए इन्होंने कहा कि कोविड के दौरान इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन अस्पतालों में खिदमत अंजाम दी, लेकिन इनको अब अचानक खिदमत से बरतरफ कर दिया गया है। इन्होंने मुतालबा किया कि इन्हें नौकरी से ना हटा जाए बल्कि कोई मुतबादिल नौकरी इन्हें फ्राहम की जाए। इस मौके पर चंदबसवा जाने कल श्रीनिवास, श्यामराज, गिरिधर, तिम्मारेड्डी, राजू, आर आंजनेया, सिद्धण्णा, हनुमंतु, वंशी और दीगर भी मौजूद थे। ग्रुप नंबर